नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे पांच मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान दोस्तों, मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था शुरुआत में। जो फर्स्ट लेसन था उसमें मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने पढ़ा था, और उसमें पढ़ा था बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान की एक शाखा ही है, ये एक शाखा है बाल मनोविज्ञान, जिसे अपन कहेंगे बाल विकास। इसे हम कहेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, होता क्या है बाल विकास? बाल विकास यानी नाम से देखो, बाल विकास बालक के साधारण परिभाषा में देखिए, बालक के विकास का अध्ययन है। बालक के विकास का अध्ययन ही दोस्तों बाल विकास कहलाता है। बालक के विकास का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा, जिसे हम कहें बाल विकास, यानी बालक के विकास का अध्ययन। कैसा अध्ययन है ये? जो अध्ययन है ये है गर्भावस्था से लेकर के से किशोर अवस्था तक, या कह दो इसे परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। बात आती है मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसे कहेंगे बाल विकास। बाल विकास होता क्या है? बालक के विकास का अध्ययन, यानी गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें बाल विकास में दोस्तों धैर्य से सुने, समझ में आएगा, लगातार रखे वीडियो को। बाल विकास बात आती है सर्वप्रथम अध्ययन की। इसका सर्वप्रथम अध्ययन मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जोन लोक। जोन लोक ने बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इनके अलावा मनोवैज्ञानिक अध्ययन पूछ लिया जाए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी, बाल विकास के जनक बाल विकास के जनक स्टेनली हॉल। कुछ एक बातें हैं ये ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम अध्ययन की बात आए जोन लोक, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की बात आए पेस्टोलॉजी, बाल विकास के जनक का नाम आए स्टेनली हॉल। दोस्तों ये जो पेस्टोलॉजी है, इन्होंने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के साथ साथ इनका जो अध्ययन है ये था बेबी बायोग्राफी पर आधारित है। ब
बेबी बायोग्राफी यानी बाल जीवनी, किसकी जीवनी, इन्हीं के 3.5 वर्षीय पुत्र की। इनका जो अध्ययन था ये खुद के ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने पेस्टोलॉजी में, पेस्टोलॉजी ने ही बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। बाल विकास के जनक तो स्टैनली हॉल है, लेकिन बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया। सर्वप्रथम अध्ययन जोन लोक ने किया। ये कुछ एक बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। दोस्तों स्टैनली हॉल का नाम आता है तो इनका जो बाल विकास में जो योगदान है वो अति महत्वपूर्ण है। यानी इन्होंने या स्टैनली हॉल ने, ये थे अमेरिका के एक शहर का नाम आता है शिकागो। शिकागो शहर में सन की बात आए 1897 ईस्वी, इसे बोलेंगे हमें 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी कह रही है 1897 शिकागो शहर में बाल अध्ययन आंदोलन चला था। बाल अध्ययन आंदोलन किसके द्वारा? स्टैनली हॉल के द्वारा। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका के शिकागो शहर में 1897 ईस्वी में हुई थी। इसके जनक स्टैनली हॉल माने जाते हैं। स्टैनली हॉल बाल विकास के जनक, स्टैनली हॉल बाल अध्ययन आंदोलन के जनक भी स्टैनली हॉल। और इस आंदोलन के फलस्वरूप ही चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना हुई। बाल अध्ययन से संबंधित है इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना हुई। नॉर्मली याद रखना इतने डिटेली आएंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही जब नाम आया था बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, जो बाल अध्ययन आंदोलन है ये 1897 ईस्वी में चलाया गया था। 1897 अमेरिका के शिकागो शहर में या 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल के द्वारा और इन्हीं के मार्फत चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। अमेरिका में ही एक नाम आता है न्यूयॉर्क शहर। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रथम बाल सुधार गृह है, प्रथम बाल सुधार गृह कहां खोला गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ये तो बात आती है अमेरिका में, ये इनकी शुरुआत अमेरिका से ही मानी जाती है। अगर बात आए भारत की तो भारत में इस प्रकार की संस्थाओं की या बाल विकास अध्ययन की ये शुरुआत होती है, मानी जाती है 1930 से। ये बाल सुधार गृह है, इसकी शुरुआत हुई थी 1887 में बाल सुधार गृह खोला गया था। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों कब से? 1930 से। एक तो परिभाषा है, परिभाषाओं के साथ साथ वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि बाल विकास होता क्या है, बाल विकास
बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। कौन सा अध्ययन, कहाँ अध्ययन, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। दो तीन एक बात ये होता है कि सर्वप्रथम अध्ययन जो लोग के द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास के जनक स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल ने ही अमेरिका के शिकागो शहर में 19वीं शताब्दी यानी 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इनको जनक माना जाता है इन्हें या स्टैनली हॉल को। और इस आंदोलन की बदौलत ही चाहे स्टडी सोसाइटी या चाहे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई। प्रथम बाल सुधार गृह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1887 में खोला गया। भारत में इसकी शुरुआत 1930 से मानी जाती है। दोस्तों लगातार धैर्य के साथ सुनते रहें, याद हो जाएगा आराम से। एक परिभाषा आती है बर्ट के अनुसार, बर्ट ने लिखा है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था कह दो चाहे इसे कह दो परिपक्वावस्था, परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा कुछ एक गाइडवाले लिखते हैं कि ये परिभाषा बर्ट की है और करके क्रो एवं क्रो की है। दोस्तों क्रो एवं क्रो की ये परिभाषा नहीं है। यहाँ देखिए गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक, गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक ये इसी ऐसी ही परिभाषा एक है क्रो एवं क्रो की, जो कि आप अपनी बुक में लिख सकते हैं क्रो एवं क्रो, ये लिख ले लीजिए आप नोट लगा के। जो गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक था ये क्रो एवं क्रो की है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान जो कि अपने जो वीडियो हैं उनमें मैं बता चुका हूँ इन शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, वृद्धावस्था तक होने वाले, वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या, करता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल
बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की व्यवस्था का जिनमें गर्भावस्था से लेकर के, ये गर्भावस्था है, गर्भावस्था से लेकर के और किशोर अवस्था, यहाँ तक की विकास यहाँ तक ही होता है, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और गर्भ किशोर अवस्था तक या परिपक्व अवस्था तक है, ये जो विकास है ये चलता रहता है। तो यहाँ तक होने वाले जो परिवर्तन है उनका अध्ययन किया जाता है किसमें, बाल विकास में। और क्रियो क्रो एवं क्रो की जो परिभाषा है वो है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, ये देखिए ये जो शिक्षा है ये जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत या वृद्धावस्था तक है, जो कुछ सीखते हैं उनके जो अनुभव है उनका वर्णन और व्याख्या करता है। ये परिभाषा है क्रो एवं क्रो की, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है बर्ड की। अब बाल विकास पूरी तरह से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक परिभाषा और आती है हर लोग के अनुसार, ये जो परिभाषा दी है बर्ड ने इन्हीं का विकसित रूप बताया है हर लोग ने। हर लोग ने दोस्तों क्या बताया है, बाल विकास में ये जो बाल विकास है, बाल विकास में केवल जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक विकास का ही अध्ययन नहीं होता, इसके साथ साथ सामाजिक संवेगात्मक संवेगात्मक नैतिक मानसिक विकास का अध्ययन भी किया जाता है, विकास का अध्ययन भी किया जाता है। देखिए मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था यहां तक जो होने वाले जो परिवर्तन है या जो विकास है, ये विकास हो सारे के सारे विकास है गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक, यहाँ पर जो परिवर्तन होंगे या विकास होंगे ये विकास है, इनका विकसित रूप देखिए। यहाँ पर देखो बाल विकास में केवल शारीरिक विकास ही नहीं, शारीरिक विकास का ही अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें केवल शारीरिक विकास थोड़ी हो रहा है या किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था तक, यहाँ जो होता है वो होता है सामाजिक भी है संवेगात्मक भी है। ये शारीरिक विकास तो है ही है, इनके साथ साथ ये चलते हैं सामाजिक है संवेगात्मक है नैतिक है मानसिक विकास, इनका भी अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा किसकी है, हर लोग की। ये किसकी परिभाषा है, हर लोग की। अब बाल विकास की परिभाषा डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, इनको रटना नहीं है, एक दो बार देखोगे वीडियो इनमें आप समझ जाओगे, याद हो जाएगा, लगभग अभी याद होगी होगी। बर्ट ने ये लिखा है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी एक परिभाषा हर लोग की है, इन्होंने लिखा है कि बाल विकास में केवल शारीरिक विकास का ही अध्ययन नहीं होता, इसके साथ साथ सामाजिक संवेगात्मक नैतिक और मानसिक विकास का अध्ययन भी किया जाता है। दोस्तों दो शब्द आते हैं, एक आता है अभिवृद्धि और एक आता है विकास। अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि कह दो चाहे वृद्धि कह दो एक ही बात है, ग्रोथ विकास
ये होगा डेवलपमेंट। अभिवृद्धि या वृद्धि ये क्या है, इनका स्वरूप कैसा होता है? दोस्तों अभिवृद्धि जो बालक के शरीर में या हमारे शरीर में जो परिवर्तन हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वो दिखाई देने वाले जो परिवर्तन है वो अभिवृद्धि में आए हैं। इसीलिए इनका जो स्वरूप है वो बाह्य होता है, यानी अपन इसे देख सकते हैं। और जिनको अगर हम देख सकते हैं उनको नापतोला भी जा सकता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो है वो है अभिवृद्धि के अंतर्गत है, यानी इनका स्वरूप है वो कैसा होता है, स्वरूप होता है बाह्य है। और विकास है, इनका स्वरूप बाह्य भी होता है और प्लस में आंतरिक भी होता है। हमारे देश में नेता बोलते हैं कि अपने देश का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास। अभी विकास हमें दिखाई तो दिया नहीं, इसीलिए ये विकास क्या है, आंतरिक है। अभिवृद्धि का स्वरूप है ये बाह्य होता है और विकास का स्वरूप है ये क्या होता है, आंतरिक होता है। इनका जो अर्थ है ये होता है संकुचित है। और इनका अर्थ होता है व्यापक। कैसे दोस्तों? जैसे लंबाई का बढ़ना है, ये लंबाई का बढ़ना एक संकुचित ही है। संकुचित अर्थ में देखेंगे कैसे, जैसे एक निश्चित उम्र होती है उस उम्र के बाद में और ये जो अभिवृद्धि है ये रुक जाती है, ये जो लंबाई है वो रुक जाती है। लंबाई कह दो या भार, ये जो परिवर्तन होने वाले जो परिवर्तन है ये अभिवृद्धि में आएंगे और विकास में। इनके साथ साथ इनका जो अर्थ व्यापक कैसे होता है, इनमें जो सारे आएंगे, जैसे हर लोग की जो परिभाषा है उनमें जैसे सामाजिक विकास है, मानसिक है, शारीरिक है, ये सारे के सारे। इसीलिए इनका अर्थ क्या होता है, व्यापक होता है। लंबाई भार इनके साथ साथ में हड्डियों का मजबूत होना ये भी ये जो है ये विकास के अंतर्गत आएंगे। शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं जो दिखाई देते हैं शारीरिक परिवर्तन है ये आएंगे अभिवृद्धि के अंतर्गत। और इसमें विकास के अंतर्गत शारीरिक जो परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन इनके साथ साथ में सारे परिवर्तन संपूर्ण पक्ष में होने वाले जो परिवर्तन है, संपूर्ण पक्षों का परिवर्तन ये आएंगे विकास में। शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि के अंतर्गत, संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन ये आएंगे। अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है। नापा तोला जा सकता है, इसका सीधे मापन संभव नहीं है। सीधे मापन संभव नहीं, किसी न किसी प्रकार से विधियों के माध्यम से इसे ज्ञात किया जा सकता है विकास को, जबकि अभिवृद्धि को अपन सीधे नाप तोल सकते हैं। नाप तोल सकते हैं तो ये होता है परिमाणात्मक या बोलेंगे इसे संख्यात्मक है। और ये हो जाएगा फिर परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी। दोस्तों अभिवृद्धि परिमाणात्मक है यानी संख्यात्मक है और विकास ये परिमाणात्मक के साथ साथ में गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं
रचनात्मक परिवर्तन। अभिवृद्धि के जो परिवर्तन है ये होते हैं रचनात्मक परिवर्तन है, और विकास के जो परिवर्तन है ये रचनात्मक प्लस विनाशात्मक होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन है ये किस तरफ होते हैं, किशोरावस्था तक, और ये होते हैं वृद्धावस्था। व्यक्ति को रचनात्मक परिवर्तन किशोर अवस्था की ओर ले जाते हैं, और रचनात्मक के साथ साथ में ये जो विनाशात्मक परिवर्तन है ये किसकी तरफ है, वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। ये जो रचनात्मक परिवर्तन है ये होते हैं विवर्धि सूचक। रचनात्मक परिवर्तन विवर्धि सूचक होते हैं, और विनाशात्मक जो परिवर्तन है ये होते हैं ह्रास सूचक, नाश होना। वृद्धावस्था के आने के बाद में तो ह्रास ही होगा, निरंतर कमी होती जाएगी, ह्रास का मतलब होता है कमी। तो ये वृद्धावस्था के जो विनाशात्मक परिवर्तन है ये ह्रास सूचक होते हैं, जबकि अभिवृद्धि में जो रचनात्मक परिवर्तन ये किशोर अवस्था की ओर ले जाते हैं, जो कि विवर्ति सूचक होते हैं। दोबारा देख लेते हैं, विवर्ति का स्वरूप बाह्य, विकास का स्वरूप बाह्य प्लस आंतरिक। इसका अर्थ संकुचित, संकुचित कैसे होगा, जैसे लंबाई है निरंतर बढ़ती जाती है, भार है वो परिवर्तन होता रहता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो लंबाई एक निश्चित उम्र के बाद में रुक जाती है, जबकि विकास का अर्थ भाई व्यापक इसलिए है क्योंकि ये जो इनका जो विकास है ये लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसलिए इनका अर्थ हो गया व्यापक है। शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक पक्ष में होने वाला जो परिवर्तन है वो अभिवृद्धि दर्शाता है, और विकास में संपूर्ण पक्षों का परिवर्तन है। संपूर्ण पक्ष कौन से होंगे, शारीरिक के साथ साथ मानसिक है, नैतिक है, सामाजिक है, ये सारे हैं, ये संपूर्ण पक्ष होंगे विकास के अंतर्गत। सीधे नापा तोला जा सकता है, सीधे मापन संभव नहीं है, परिमाणात्मक संख्यात्मक होते हैं, विकास में परिमाणात्मक के साथ साथ में गुणात्मक। अभिवृद्धि के जो परिवर्तन है ये रचनात्मक होते हैं, विकास के रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक। रचनात्मक परिवर्तन किशोर अवस्था की ओर, विनाशात्मक परिवर्तन वृद्धावस्था की ओर। रचनात्मक परिवर्तन विवर्धि सूचक होते हैं, और विनाशात्मक सूचक, विनाशात्मक जो परिवर्तन है ये ह्रास सूचक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था अभिवृद्धि और विकास, बाल विकास के बारे में नॉर्मली अपने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में।